नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड को यूज़ करते हो और आपकी जो एटीएम कार्ड की वैलिडिटी होती है, जो कि एटीएम कार्ड पर कुछ लिखी हुई होती है, एक डेट लिखी हुई होती है वैलिडिटी, ठीक है, अगर वो आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है और आपका जो है कार्ड एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपका कार्ड आपके घर पर खुद से आएगा या फिर आपको बैंक जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, इसी के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और साथ ही जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका रिप्लाई इंस्टाग्राम पर जरूर मिलेगा। और साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लो, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं कोई फॉर्म वगैरह बताता हूँ तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लो। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके के अकाउंट निकल कर आते हैं, एक तो प्रधानमंत्री जनधन खाता वाला। तो दोस्तों, इस केस में क्या होता है, अगर आपका खाता प्रधानमंत्री जनधन खाता के तहत खुला हुआ है तो जो आपका कार्ड अगर वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, तो क्या उसको आपको बैंक जाकर अप्लाई करना पड़ेगा नए कार्ड के लिए या फिर खुद ही ऑटोमेटिक आपके घर आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि वो खुद ही आपके घर पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कोई बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, जो दूसरा अकाउंट होता है वो है नॉर्मल सेविंग अकाउंट, जो कि अधिकतर सबके पास ही होता है ये अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आपका SBI में नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और आपके पास क्लासिक और ग्लोबल डेबिट कार्ड है, तो दोस्तों ये कार्ड भी आपके घर ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपकी जो है कार्ड की डेट एक्सपायर हो जाती है, तो इसमें भी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी आपके घर पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, SBI बैंक में कुछ हाई वेरियंट्स डेबिट कार्ड होते हैं, जो ATM कार्ड हाई वेरियंट होते हैं, उनको आपको बैंक जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, वो खुद से आपके घर पर ऑटोमेटिक नहीं आएंगे, जो सिर्फ ग्लोबल और क्लासिक डेबिट कार्ड ही आपके घर पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे अगर आपके डेबिट कार्ड की जो डेट है वो एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायर हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूँ, इसलिए दोस्तों आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।